भारत के जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में शनिवार को स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों में भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार कोई पदक अपने नाम किया है और भारत में गोल्ड मेडल में अपना खाता खोला है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा ने शनिवार को शुरू हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अपने पहले दो प्रयास में सबसे शानदार भाला फेंका था। उन्होंने सबसे पहला थ्रो 87.03 मीटर का फेंका था जो सबसे आगे था। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। इन दोनों प्रयासों की दूरी को नीरज के अलावा कोई और एथलीट छू नहीं पाया और नीरज चोपड़ा ने देश को गोल्ड मेडल से गौरवान्वित किया। नीरज की जीत पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश की जानी मानी हस्तियों, खिलाड़ियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं जनपद के रीजनल स्टेडियम में खिलाड़ियों ने नीरज चोपड़ा की जीत पर खुशी का इजहार किया है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अली हैदर के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये गोल्ड मेडल देश के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया है और देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए सभी खिलाड़ी नीरज को ढेर सारी बधाई देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टेडियम के खिलाड़ियों एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अली हैदर ने कहा, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है कि जब उसने गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीता है। नीरज चोपड़ा जी ने भारत का नाम ओलंपिक 2020 में स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है। ये सारे खिलाड़ियों के लिए, सारे एथलीट्स के लिए और सारे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरवमयी पल हैं। हम उनको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे आने वाले खिलाड़ी भी जिस प्रकार से 2020 ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, आने वाले ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और निश्चित रूप से हमें आशा है कि आने वाले समय खेल के लिए बहुत अच्छा है। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 जय। अमित गुप्ता, हमें बहुत खुशी है ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल पहला भारत के लिए दिलाया। एथलेटिक के इतिहास में मॉडर्न ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड दिलाया, हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता। हम लोग को आगे हम लोग उन लोगों को देख के कुछ सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों का भी खिलाड़ी हैं यहाँ पे, आप लोग भी तमन्ना होगी हम भी गोल्ड लाएं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि आप भी गोल्ड लाएंगे या खेलेंगे? हाँ, नीरज चोपड़ा को देख के हमें ऐसा ही लगता है कि कुछ खिलाड़ी को देख के हम लोग के भी अंदर कुछ फीलिंग आती है कि अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे आगे हम लोग भी। हम अजय कुमार यादव है और हम शॉटपुट थ्रो करते हैं और आज ये नीरज चोपड़ा के मेडल से वैसे हम लोग बहुत खुश हैं और कई समय के बाद हमारे देश पहला गोल्ड मेडल आया है। लाइव देखा गया, जैसे जैसे गेम चलता जा रहा था हार्ट बीट बढ़ते जा रही थी हम लोग की कि क्या होगा क्या होगा, चूक ना जाए, क्योंकि काफ़ी इवेंट ऐसे हम लोग गए हैं कि जिससे मेडल आते आते चला गया, तो इसकी बड़ी प्रसन्नता, हमें बहुत खुश हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा। मेरा नाम उदय प्रताप, मैं रेसलिंग करता हूँ रीजनल स्पोर्ट रीजन में, और जो नीरज चोपड़ा जो लाए हैं गोल्ड मेडल, हम लोगों में बहुत बड़ा ही मतलब खुशी की बात है और इनको देख के हमको प्रेरणा बढ़ती है कि हम आगे और ऐसे करें। और जी सर, जय हिंद, जय भारत। क्या आपका भी तमन्ना है इस तरह गोल्ड लाने का? सर, हम लोग का भी तमन्ना उनको देख के आगे आगे कि मतलब जो है हमारे
मार्गदर्शक दिखाने वाले, उनके देख के हम बच्चों की तरफ प्रेरणा बढ़ेगी और हम लोग भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से फर्स्ट टाइम इन इंडिया एथलेटिक्स में गोल्ड आया है और इतना लंबे अंतराल के बाद पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में आया है। 87.58 जो नीरज चोपड़ा जी ने थ्रो की वो निश्चित रूप से एक अमेजिंग थ्रो थी और शुरू से ही वो आगे थे। उन्होंने अपनी ट्रायल थ्रो में भी बहुत अच्छा किया और इसमें भी बहुत अच्छा किया फाइनल तक, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एथलेटिक्स के लिए स्पेशली। और मैं बधाई देता हूँ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को, यूपी एथलेटिक एसोसिएशन को और सारे खिलाड़ियों को कि इतना स्वर्णिम अवसर भारत के लिए आया है, इतना गौरवमयी पल है हम सारे भारतवासियों के लिए कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत का मान और गौरव स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है। जय हिंद।